वन ट्राई चैनल पे आपका स्वागत है। हम लोग कहानी का लास्ट पार्ट को करेंगे और उसके लिए हम लोग पार्ट फोर का दो लाइन के आगे से करेंगे ताकि हम लोग को समझ में आ जाए। काग अयंग नेया औरंग लेरेगे सोबेन गुप्पिन को औरंग जब चुट्टी को हिजो हुआ। नहीं माँ, अगर हम लोग इस बांसुरी को ही बजाएंगे तो बजाते साथ सारे गुप्पिन सब आ जाएंगे। ओकुआ अन काजी को एनागे को रिक दड़िया, और हम लोग जो बोलेंगे वही सारे गुप्पिन सब करेंगे। ने रुतु आया रे गुप्पिन को अबा चेना ए कामी दड़िया। अब इ बांसुरी के सामने गुप्पिन सब का फूल क्या काम करे। एनामेंते नेया गेंग अगुआ कदा, इसीलिए हम इसी को लेके आए। ना दो आलम उड़ुआ राजा काय गो दाड़ी, अब तो कोई चिंता मत करना, राजा हमको मार डालने नहीं सके। ओड़ो दो हम जेतते यो कहीं बागी दाड़िया माँ, और हम तेरे को कभी नहीं छोड़ेंगे और कहीं नहीं छोड़ेंगे। अत्ते बाबू रुतु ते दौड़ राजा पतिया जी, माँ पूछ रही। हाँ बाबू, ये बांसुरी से राजा मान जाएगा। चिकतेगा काय पातिया इमनंग माप्रंग माप्रंग सोबेन गुप्पिन को दो रुतु औरों के लोगे को हिजु तनते ने काना राजा, कैसे नहीं मानेगा। इतने बड़े बड़े गुप्पिन सब आएंगे तो राजा नहीं मानेगा। तो बेदो बाबू सेकड़गे राजा तसेन बाकोम आइन ने तेरे मांडी उत्तू तैयार तड़ाए। तब तो बाबू जल्दी से राजा के पास जाओ, हम खाना सब बनाते रहे। चोड़िया कोड़ा सिंगी जुलो जुपु अकन समय रे राजा ताते सेनो जाना। सूरज के रहते ही चोड़िया कोड़ा राजा के पास चला गया। राजा ओवारी रे दुबा कांची हुक्का सीतन तही के न, राजा बाहर बरांडा में हुक्का पी रहा था। चोड़िया कोड़ा ते बाला आदर जोहर किया, चोड़िया उसके पास पहुंचा और उसको प्रणाम किया। ने कोड़ा रूड़ कने लेल की ची राजा है साटा कब गिड़ी जन। चोड़िया कोड़ा को देख के राजा तो भकुआ गया। ची अची इन्हीं अदो विचार तई के न ची चोड़िया कोड़ा एंसा रेगे गोए उत्तर हुआ, क्योंकि राजा का मन में था कि चोड़िया कोड़ा उधर ही मर जाएगा। मैं दो सिंह बोंगा पेड़ ते काय गोए जना, लेकिन ईश्वर की कृपा से वह नहीं मरा। दे ने कोड़ा ओड़ोची एनकन बागे अव गदा मेंते कुल की, कहीं वो चुनिया फिर से ऐसा ही फूल तो नहीं लाया है, बोल के पूछा। आते बादम अव गदा चिका, अरे फूल तो लाया है कि नहीं। कागोम के गोटाई दाना भी उड़के दा जे तता अरे बा काई नाम दाड़िया, नहीं राजा सब तरफ हम खोजे कहीं भी फूल नहीं मिला। चिना चिका उड़ो हम मेद मूड लेल रिक कचिम हिजू, तो कहे आए हो, चेहरा दिखाने आए हो क्या। सेनो तन रे चिन इमेन कुल ले मा, जाते समय हम तेरे को क्या बोले थे। सामति गे होद होदोगे हिजू में मेनते, खाली हाथी आना बोल के बोले थे। दासी को मार ओकोए में नपया हिजू पे, चोड़िया उड़ो सामती हिजू कन, नौकर सब आओ, चोड़िया फिर से खाली हाथ लौटा। अन्या हुकुम काय माना तीन जन, मेरा आज्ञा का पालन नहीं किया। नी सब किए ते दे बायरी पे, चलो इसको पकड़ो और बांधो। नी तिसिंगु न अगो उतरिया, चलो आज हम लोग इसको मार डालेंगे। चिना मेनते आया का नजी का पूरा हो के था, क्यों अपना बात को पूरा नहीं किया। मार हिजू पे आओ, सब कोई आओ। दासी को बापुड़ी एन लोगे जीणी पागा सब किए थे। चोड़िया कोड़ा थोल को नीर इदी जदा, अब सारे नौकर लोग सनई का जो रस्सी होता है मोटा रस्सी पागा, उसको पकड़ के चोड़िया कोड़ा को बांधने के लिए दौड़ के आ रहे। आई तोल दो आलू पे हिजू अमेनते काजिया को तना, हमको बांधने के लिए तो मत आओ, कह के चोड़िया बोल रहे। राजा खींचते रुंज बेड़न तन गया, राजा तो गुस्सा से इधर उधर हो रहा। निकु न दो ककों बांचौया मेन लेल के ची चोड़िया कोड़ा एन को सबिया मेने समय रे रुतु मिस्सा गे औरों रा कबला, अब पकड़ेंगे तब पकड़ेंगे। उसी समय वो एक बार ऊंचा स्वर में बांसुरी को में बजाए, दो हाहा हाहा तन गुप्पिन को लंदा उगला। तो सारे गुप्पिन सब हाहा हा हंसते हुए आए। सोबेन को मूर्तु को लेकर ओकता कोरे को सीधा को तय के ना एंटायद कोरे को तिंगुन गड़िन जना, अब जो लोग जहाँ थे वहीं पे मूर्ति की तरह खड़े हो। सोबेन को लता लुत्तु जना सब कोई निर्बल हो गए। राजा मियत जाके जितता ओके का जिदड़िया था, राजा तक एक शब्द नहीं बोल पाया। गुप्पिन को राजा को दुख जुरू किया,
आद को कुली किया। सारे गुपिन सब राजा को बैठाए और पूछे, हेलो अमा गे ची काणा राजा लु तुम तो, तेरा ही नाम है काणा राजा? तो राजा बोलता है का हे का हे, नहीं बोलने सक रहा है राजा। का हे मैंने यहाँ, हाँ नहीं बोलते हो, रेंगे रबा घोड़ो को ने का दुकू कसला ओमो का सोरम जा अमा का। गरीब सबको इस तरह से दुख देने के लिए तुमको शर्म भी नहीं लग रहा है? नहीं चुनिया कोड़ा अम अचे न बगड़ा वाला चुनिया तेरा क्या बिगाड़ा था, एना तेने कम सादा हो जाइया, तुम इस तरह से उसको परेशान कर रहे हो, सता रहे हो। अब आहन कुड़ी को गे गंग बुढ़िया होन बापुड़ी बा को रे अकिंग मोटाई ते एन रे इनको अजेतन दोष का हो बजन आद रे एकी होड़ो आदो दोष हो बजन। तेरी ही बेटी सब जब लूटी तो उनका तो कोई दोष नहीं हुआ, और जिसको लूटी उसका दोष हो गया। आमोचा खूब पक्का विचार नहीं का, तेरा भी विचार बहुत पक्का रहता है नहीं काजी में। तीसिंग आले आयर रे कार दो तीसिंग ते आम जोम सा कम पूरा उतना आम जितन जिनिसी कम नम, जो तुम खाते पीते हो कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम आज हम लोग के सामने बोलो सो बिना तम से नो, तेरा जितना भी है सब कुछ चला जाए, रेंगे यो तुम बहुत गरीब हो जाओगे, दुकुआन कासलाओं दुख से भर जाओगे, जितना दिसुमरे कक्को पूछो में देश में तुमको कहीं भी कोई नहीं पूछेगा। जुदी अम बुगिनो अम सनंग तन रे दो अम मारंग होन में कुड़ी आनंदी चोड़िया कोड़ा लो हे में ने समय। अगर तुम अपना भलाई चाहते हो तो अभी तुरंत अपनी बड़ी बेटी का शादी चोड़िया कोड़ा के साथ करने के लिए हाँ करो अभी तुरंत, ना आगे अद आनंदी मौत नहीं डरेगी हो बाओ। और शादी एक ही रात में होना चाहिए, निकी ना असुलो ना तीन तारा दिसुम ओड़ा हो बाओ। और इनको जीने खाने के लिए तेरा देश का आधा भाग उनको मिलना चाहिए। राजा निकू अकाजी अयुंते ए बुलगड़ी जना, इनका बात सुन करके तो उसको चक्कर आ गया। हे ते आए दांदा उतना चीकाते हो, ना हाँ बोल रहा है ना बोल रहा है, चिना इन चिकया में ते खूब गे उड़ उतना, अब हम क्या करें कह के बहुत ही चिंता कर। मैं दो जितना कहे उड़ उनम ज्यादा, लेकिन उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। उड़ हो गया गुपिन को दो मिसो को रुड़िया, और गुपिन सब तो एक बार भी चुप नहीं रह रहे। टुंडू रे राजा को हे रिक की गया, लास्ट में तो राजा को उसको हाँ ही करवा दिए। एन निदगे रोकतो का आनंदीरा को कजियतन, उसी रात में तुरंत से शादी का बात करवा रहे हैं, शादी के लिए कह रहे हैं। इनको आयर रे राजा जितो कह काजी दड़िया था, उनके सामने में राजा कुछ भी नहीं बोल पा रहा। ओकुआ को काजी ज्यादा एना को गे हे दिकेता, जो भी वो सब बोल रहे हैं सब में राजा हाँ कर रहा है, हाँ पे हाँ बोल रहा है। गुपिन को अमा कुड़ी मारते सिंगरा सिंगारी में मेनते राजा को कजिए इतना, सब गुपिन सब बोल रहे हैं कि तेरी बेटी को सिंगारो जल्दी। राजा आया होते कुड़ी सिंगार रहा ओड़ा रे हुकुम है ओमा कुतना, और राजा सबको हुकुम दे रहा है अपनी बेटी को सिंगारने के लिए। कुड़ी होंदे उड़ूंगते निमियद हाथी सिंगार उतन, और उसकी बेटी को भी सिंगारा जा रहा है और साथ में एक हाथी को भी सिंगारा जा रहा है। होंते कुड़ी जे सिंगरा को सिंगार किया सोना ते रूप तेगे को पेरे किया, जिस बेटी को सिंगार रहे बड़ी बेटी को उसको पूरा सोना रूपा से भर दे रहे। आए दे हाथियो इनका गे को सिंगार किया, जैसा बेटी को सिंगार है वैसे ही हाथी को भी सिंगारा जा रहा। राजा ना सामते औरी तिया ची आए ता हिजुआ कान को ओको तको तन को, राजा को तो अब भी नहीं पता कि उनके पास जो आए हैं गुपिन सब वे लोग कौन है। ची अची ने समय रे इनको कुड़ी रूप ते दो का मेन दो कोड़ा रूप ते मापरंग आद जिपलिंग जिपलिंग गुचू बैया कनाते। गुपिन सबको अभी तक राजा नहीं पहचाना है, क्योंकि वो सब लड़की के रूप में नहीं बल्कि लड़का के रूप में लंबे चौड़े और पूरा मूछ बनाए हुए आए हुए हैं। मारना अद कुड़ी होन उड़ूंग ओका मेनजन, अब बोला गया कि चलो अब लड़की को निकाला जाए। आंगतन तुरतन लेका सिंगा रखे हाथी चेतन रे आंगतन तुरतन लेका सोना रूपा ते सिंगा रखन काना राजा होनते कुड़ी को उड़ूंग चोड़िया कोड़ा जपर। अब अच्छी तरह से सिंगारा हुआ हाथी के ऊपर काणा राजा की बेटी को भी सोना रूपा से सिंगार करके उसके ऊपर बैठा करके चोड़िया कोड़ा के पास लेके आए। चोड़िया कोड़ा दो गेड़े गेड़े गे ले लो उतना, चोड़िया कोड़ा तो गंदा संदा दिख रहा है। सोबेन साते नीलो चिया मेंते को का जीतन,
सब कोई देख रहे हैं उनको और बोल रहे हैं इसके साथ की शादी हो रहा है, इसके साथ की। तो बे सो बिना हो भजन समय रे चोड़िया कोड़ा उड़ो मिसर तुई औरंग रकबला आना दो तलंग गेणे गेणे चोड़िया कोड़ा जुलतन ले कह लोतन। अब लास्ट लास्ट में चोड़िया कोड़ा फिर से एक बार बांसुरी को पर स्वर में बजाया, तो जो गंदा सांदा दिख रहा था चोड़िया कोड़ा अब तो स्मार्ट सा गोरा नारा सुंदर और राजा की तरह दिखने लगा। राजा होते कुड़ी सोबेन सोना रूपा को दो इपिड़ पीउन लेका जिपी जिपी तना। और राजा की बेटी जो सोना रूपा पहनी है वो तो इपिड़ पीउन की तरह झिलमिल झिलमिल चमक रहा है। नेया लेल के ची सोबेन होड़ो को हे हाई को मेन उत्तर के दा। अब इस तरह दोनों जन को देखे तो सब कोई हाँ कहने लगे। अब हाँ मतलब सही जोड़ा है। आनंदी हो भजन ची गुप्पिन को एंता रेगे को आद जना। और जब शादी हो गया तो गुप्पिन सब वहीं से गायब हो गए। चुड़िया कोड़ा मुसिंग मोलोंग रे टिकन ते आहासा जाकेत काय नाम दाड़ी तन तई के न। जो चुड़िया कोड़ा एक दिन कपाल में टिक्का तक लगाने के लिए कुछ नहीं पाता था तीसिंग दोकाना राजा तारा दिसुमरेन राजा है बैजना। और आज वही चुड़िया काना राजा का आधा देश का राजा बन गया। वाह रे लिखोन रे अजोर क्या लक है, किसका लक कहाँ पहुंचा देता है। तयम दो आया कुड़ी आद एंगतेल ओ माजा लेका को ताइंजन। अब तो चोड़िया कोड़ा उसकी पत्नी अर्थात काना राजा की बड़ी बेटी और अपनी माँ के साथ सुखी पूर्वक रहने लगा। इस तरह से हम लोग का कहानी समाप्त होता है। हम लोग इस कहानी का मुख्य क्वेश्चन सबको कर लेते हैं, हो सकता है इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाए। पहला क्वेश्चन करेंगे गुप्पिन को अब्बा कानी रे राजा अल्लू तुम चिन्हत इनके ना। उत्तर होगा काना राजा गांग बुढ़िया होते कोड़ा अर लुत्तुम चिन्हत इनके ना। आंसर होगा चोड़िया काना राजा होते कुड़ी को चिमनंग को तई के ना। आंसर होगा एया काना राजा की कितनी बेटियां थी सात। काना राजा होते कुड़ी को तारे को इनुंग तन तई के ना कहाँ खेलते थे बा बाकड़ी रे। हाई कुंबद ओको चांडुरे को तुपुल कौन सा मौसम में, कौन सा मौसम में कुंभद रोपा कुमनी को रोपा जाता था दसई चांडूरे। अगला क्वेश्चन है चुड़िया लाई हाई कुंभद ओकोय बैला चुड़िया के लिए कुमनी कौन बना दिया था एंगते गांगबुड़िया उसकी माँ गांगबुड़िया। चुड़िया सीधा उत्तर कोता रे कुंभद तुपुला सबसे पहले चुड़िया कहाँ पे कुमनी को लगाया था। आंसर होगा सेतेंग तन पैड़ी रे सबसे पहली बार लगाया था वो सेतेंग तन पैड़ी रे। अगला क्वेश्चन एट अहुलंग कुंभद कुतारे तुपुला आंसर होगा डड़ी पैड़ी रे मतलब दूसरी बार कुंभद को कहाँ लगाया था दूसरा रात में डड़ी पैड़ी में। कुंभद रे चिमिन निदा लाद बोलो लेना कुमनी में कितनी रात रोटियां घुसे थे अपी निदा तीन रात रोटी मिला था। डड़ी पैड़ी रे कुंभद लाए दो सीधा नीदा चिमनंग लाद फसे लेना एना रे मिया दलाद आंसर होगा मिया दलाद। एटा नीदा चिमनंग लाद था इनके ना बारिया लाद था इनके ना और अपिया इधर रे अपिया लाद था इनके ना और उपुनिया नीदा रे कुमनी रे चिन्ह फसे लेना उपुनिया नीदा रे गुप्पिन को अब्बा फसे लेना एनुलंग उपुनिया लाद चार रोटी नहीं फंसा था बल्कि उस दिन एक फूल गुप्पिन को अबा फंस लेना। चोड़िया कोड़ा के बा बाकड़ी परमिमता ती रे गुप्पिन को अबा लो ओते ओकोय लेल नाम किया। तो जब फूल को पकड़ करके बा बाकड़ी को फार्म कर रहा था चोड़िया कोड़ा तो सबसे पहले कौन उसको देखा था तो राजा की सबसे छोटी बेटी थी तो आंसर होगा लिट्टा रानी कुड़ी। अगला क्वेश्चन है गुप्पिन को अबा चिल्का ते रानी कुड़ी होन कोता सिनोजन ये फूल कैसे राजा की बेटियों के पास चला गया। मोटाई ते रे किया को जबरदस्त उसको छीना गया। अगला क्वेश्चन है रानी कुड़ी होन को धामको इमतंग राजा चिन्ह पेटेला जब राजकुमारी सबको धमका रहा था राजा
तो क्या तोड़ रहा था? जो जो साटी इमली का झट्टा तोड़ रहा था। चिमनंग राग सकता इनके ना, टोनंग रे चिमनंग राग सकता इनके ना। एया सात राक्षसी थी। चोड़िया नेल के ते राक्षस को चीना का जिला ताई के ना। चोड़िया को देखते ही ये सातों राक्षसी सब क्या बोलती थी, उसको देखते साथ क्या बोलती थी? आंसर होगा तिसिंग दो बारो बच्छर रे आर पूरा जोमई नाम का दा। आज तो 12 बरस में सबसे ज्यादा खाने को मिला है, यही बोलती थी। चोड़िया राक्षस को के चीना में तको तन ताई के ना। चुड़िया राक्षसी सबको क्या बोलता था? आंसर होगा हतोम फुफू। अगला क्वेश्चन, राक्षस को चुड़िया के चिन्ह को मेतई तई के ना। राक्षसी सब चुड़िया को क्या बोलती थी? बागिना होन। अगला क्वेश्चन है, चिकन जो आउ इमतंग चुड़िया जुल गो लेना, क्या फल लाते समय चुड़िया जलकर भस्म हो गया था? सिंजू जो, सिंजू जो लाने गया था उस समय। अगला क्वेश्चन, गुपिन को अलीजा ओको दारू रे ताई के ना। गुपिन सबका कपड़ा कहाँ था, कौन सा पेड़ में था? गोलाची दारू रे। आंसर होगा गोलाची दारू। गोलाची दारू बूटा रे ओकोए गुपिन को अलीजा होरो तान ताई के ना। गुपिन सबका कपड़ा को कौन रखवाली करता था? गुलायची पेड़ के नीचे गाड़ी एक बंदर। अगला क्वेश्चन है, चोड़िया बीर पारो मेंते आयुब चीना चिकताई के ना। जंगल को पार करने के लिए चोड़िया क्या कर रहा था? रुतुई औरोंग रकब तन ताई के ना, बांसुरी को ऊपर लय से बजाता था। अगला क्वेश्चन, दासी को चोड़िया के थोले मेंते चिकनर अपागा को अवला। दासी को चोड़िया के तोले में ते चिकन पागा को अवला। आंसर होगा जिड़ी पागा, सनई फूल वाला रस्सी। गुपिन को अहिजू तयते सोबेन को दासा चिलकतेंगे। जैसे ही गुपिन सब आए काणा राजा का देश में तो उनका क्या दशा था? मूर्तु लेका को तिंगुन गिड़ी जाना, सब कोई मूर्ति की तरह खड़े हो गए थे। ऋतु रे या गुण चिन्ह था इनके ना, बांसुरी का क्या गुण था? औरों रकब ले रे ऊपर की ओर बजाने से, ऊपर लय में बजाने से गुपिन को हिजुतन तय के ना, गुपिन सब आती थी। औरों हाड़गु ले रे गुपिन को सेन और उड़ तय के ना, और बांसुरी का नीचे लय करके बजाया जाता था तो गुपिन सब लौट जाती थी। अगला क्वेश्चन है, काणा राजा दिसुम रे गुपिन को चिलका ले लोता है कि ना। काणा राजा का देश में जब गुपिन सब आए तो कैसा देख रहे दिखते थे? जिपलिंग कोड़ा गुच्चू बैया कद, लंबा चौड़ा लड़का के रूप में जो मुछ बनाए हुए थे। अगला क्वेश्चन, चोड़िया का शादी किसके साथ हुआ? चोड़िया आनंदी ओकोलो हो बले ना। आंसर होगा काणा राजा की बड़ी बेटी के साथ, मरंग होते कुड़ी बड़ी राजकुमारी मरंग रानी कुड़ी लो। राजा को क्या देना पड़ा शादी के बाद? राजा आंदिता एमते चिनाव मन को तारा दिशुम। आंसर होगा तारा दिशुम, अपना आधा राज्य दिया। और चुड़िया क्या बना? चुड़िया काणा राजा का आधा देश का राजा बन गया। काणा राजा तारा दिसुमरेन राजा बाईजन। इस प्रकार से हम लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त होता है। धन्यवाद।